हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं बी लॉजिकल बी नेचुरल। आज हम मेथी से बनी क्रीम की बात करेंगे। इसके लिए हमें तीन इंग्रेडिएंट्स चाहिए, मेथी, एलोवेरा जेल और हल्दी। मेथी जो है ये एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी अच्छी पाई जाती है, ये हेयर्स की ग्रोथ के लिए, और इसके साथ अपने आप फेस पर भी इसे यूज़ कर सकते हैं। एलोवेरा जेल जो है ये हमारी स्किन को अच्छी तरह से नरिश करता है, हमारी स्किन को ये हमारी स्किन को हाइड्रेट करता है। हल्दी हमारी स्किन में लाइटन एंड ब्राइटन का काम करती है, और ये एंटी एजिंग के लिए भी काफ़ी अच्छी है, और इससे हाई पिगमेंटेशन भी दूर हो जाती है। इस क्रीम को आप रूम टेम्परेचर पे 2 से 3 दिन तक स्टोर कर सकते हैं, और फ्रीज़र में आप इसे 10 से 15 डेज तक आप इसे स्टोर करके रख सकते हैं। आप एक बंद कंटेनर में इसे बना के रख लीजिए। स्क्रीन में आप देख सकते हैं मैंने 3 इंग्रेडिएंट्स लिए हैं। सबसे पहले मेथी के दाने, फिर हमने एलोवेरा जेल ली है, और थोड़ी सी हल्दी ली है। सबसे पहले हमें क्या करना है कि मेथी के जो दाने हैं उसे थोड़ा सा दरदरा पीस लेना है। आप देख सकते हैं मैंने वीडियो में इसे थोड़ा सा दरदरा पीस लिया है, इसी तरह आपको भी इसे दरदरा सा पीस लेना है। बाद में हम इसे उबाल के इसकी जो जेल है वो निकाल लेंगे। मेथी से ऑयल बनाने के लिए हमें सबसे पहले एक खाली पैन लेना है, उसमें जो हमने दरदरी पीसी है मेथी उसे डाल दीजिए। फिर बाद में आप एक कटोरी उसमें पानी डाल सकते हैं। अब हमें गैस पर इसे धीमी आंच पर पकाना है पानी डालकर। आप देख सकते हैं मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसे गैस पर रख दूंगी और धीमी आँच पर पकाऊंगी जब तक इसका जो पानी है आधा ना हो जाए, और आप इसमें चुटकी भर थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए। जो एंटी एजिंग प्रॉपर्टी के लिए काफ़ी सहायक होती है, इसलिए आप इसमें थोड़ी सी हल्दी मिला दीजिए और ढक्कन ढककर आप इसे पकाइए। जब तक इसका पानी आधा ना हो जाए तब तक आप इसे पकाते ही रहिए, तब तक इसकी जेल जो है वो निकल आएगी। ऐसे ही आपको मेथी के जो बीज हैं उसे उबालना है। अच्छी तरह से आप बीजों को उबाल लीजिए। अब देखिए पानी बिल्कुल हाफ हो चुका है, अब हम इसे ठंडा होने के लिए रख देंगे। अब हम एक खाली कटोरी लेंगे, उसमें इस सबको जो हमने मिक्सचर तैयार किया है मेथी के दाने का इसको छान लेंगे। जो है वो निकल चुका है। इस प्रकार आप भी मेथी का ऑयल निकाल लीजिए। अब हम एक खाली बोल लेंगे, उसमें 2 चम्मच एलोवेरा जेल डाल लेंगे। एलोवेरा जेल डालने के बाद हम उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला देंगे, और थोड़ी सी जो हमने ऑयल तैयार किया है मिक्सचर मेथी का वो डाल देंगे। आप वीडियो में देखते रहिए, जैसे मैंने डाला है आप ऐसे ही इसे मिक्स कर सकते हैं। आपको अच्छी तरह से मिक्स करके इसकी अच्छी तरह से पेस्ट बना लेनी है। पेस्ट बनाने के बाद आप इसे एक बंद कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। रूम टेम्परेचर पे आप इसे 2 से 3 दिन के लिए रख सकते हैं, और फ्रीज़र में आप इसे 10 से 15 दिन तक स्टोर करके रख सकते हैं। आपको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है और आपको क्रीम बना लेनी है। आप इसे रात में लगा कर रखिए, और सुबह आप फेस वॉश कर सकते हैं। अच्छी तरह
पेस्ट बनाने के बाद आप इसे नाइट क्रीम की अच्छी तरह से आप इसे मिलाकर यूज़ कीजिए, और खाली कंटेनर हो अगर आपके पास तो उसमें आप इसे स्टोर करके रख। ये क्रीम बिल्कुल भी स्टिकी नहीं है, ये आपकी स्किन में अच्छी तरह से अब्जॉर्ब हो जाती है। इसी तरह आप इसे नाइट क्रीम की तरह फेस पे लगा के यूज़ कर सकते हो, और ये आपकी स्किन को ग्लोइंग प्रोवाइड करेगा। इसमें एंटी एजिंग प्रॉपर्टीज़ हैं, तो जो आपकी पिगमेंटेशन है उसे भी हटाएगा। आई होप आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रहेगी। लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।